अवंतीपुरा कश्मीर के हाजाहत पब्लिक स्कूल में आज एक मार्शल आर्ट मुकाबले का अहतमाम किया गया, जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अवंतीपुरा मुमताज अली भट्टी बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर मार्शल आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों ने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस तरह के मुकाबलों को खुश आइन करार दिया। इधर स्कूल के प्रिंसिपल इम्तियाज अहमद ने खेल सरगर्मियों के फायदे के हवाले से बात करते हुए कहा कि खेलने से इंसान की जिस्मानी और जहनी कुवत बेहतर रहती है। Myself Sari Rafiq from 9th standard Hajar Public School. So first of all, we are thankful for our school administration as well as our teachers for encouraging us in each and every field, especially in case of these Wushu and martial art activities. And as far as Wushu is concerned, it's a part of full contact sport, body sport and martial art sport. It doesn't only help us to improve our strength or power, but it also helps us to maintain our self-defense and flexibility. In fact, each and every martial art is necessary for getting in shape. At last, my message for youth is that instead of being addicted for drugs and elsewhere, get enrolled in these sort of activities and girls show some girl power and be brave and bold. Thank you. Today's event was this event to organize for the district of the organizer Shreya Ahmed. जो यहाँ पर बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं इस स्कूल में, मगर स्कूल हमेशा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देता है क्योंकि हमारे बच्चे आजकल बड़े परेशान हैं, बड़े डिप्रेशन के शिकार हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर स्पोर्ट्स में आए ताकि बच्चे उस स्ट्रेसफुल जो स्ट्रेस इन 3 सालों में बिकॉज ऑफ कोविड था उसमें वही निकलने चाहिए, उसके लिए स्पोर्ट्स के इवेंट्स के हमें स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ध्यान देना है और हमें ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए स्पोर्ट्स वाले। जो जो भी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स यहाँ पर हजार पब्लिक स्कूल में चलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को, हम हमेशा उनको अच्छा